अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं सिद्रा नसीम, डिजिटल मार्केटर एंड एंटरप्रेन्योर। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ही शिकायत लेकर आते हैं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अमूमन जो बिजनेस पर्सन होते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान, वो ये डिमांड करते हैं कि आप हमारा एक ऐड चलाएं और उस ऐड से हमें आप अच्छी खासी सेल्स जनरेट करके दें, या वो लीड्स जनरेशन की डिमांड करते हैं। जबकि हम हमारे स्टूडेंट्स को भी यही सिखाते हैं और हम हमारे क्लाइंट्स को भी ये बताते हैं कि देखें, हर काम का एक तरीका होता है और जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आते हैं तो आपको सेल्स फनल का ख्याल रखना पड़ता है। सेल्स फनल के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो अवेयरनेस का होता है, उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट का होता है, फिर हमारे पास डिजायर या डिसीजन का होता है, लास्ट में जो 4th स्टेप होता है हमारे पास वो एक्शन का होता है। अब मसला कहां पे आता है कि हमारे लोग ये चाहते हैं कि वो 4 स्टेप्स पूरे नहीं करें, वो हमारे पास आए और डायरेक्ट वो 4th स्टेप पे जाए, वो एक्शन पे जाए और उनके जो कस्टमर हैं वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो, डायरेक्ट उनको कन्वर्जन मिले, डायरेक्ट उनको लीड्स मिले और लीड्स भी बिल्कुल रेलिवेंट मिले ताकि उनकी सेल्स जनरेट हो। देखें, डिजिटल मार्केटिंग इतनी आसान बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लोग करोड़ों का बजट लगा देते हैं, समझ रही है ना आप, करोड़ों का। आप तो 5,000 या 10,000 या लाख रुपए का बजट लगा रहे हैं ना। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ब्रांड्स करोड़ों रुपए का बजट लगा के फिर अपनी मतलूबा जो उनको एक सेल्स जनरेशन चाहिए होती है, जो लीड जनरेशन उनको चाहिए होती है, वो उस तक पहुंचते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस का, आप अपने बिजनेस को नया बना रहे हैं या फिर आपने बिजनेस पहले से बनाए हुए लेकिन आपने उसकी अवेयरनेस नहीं दी हुई, तो आपको सबसे पहले अवेयरनेस के स्टेप पे चलना होता है। मार्केटर क्या काम करते हैं, आपकी जितनी भी आपकी सोशल मीडिया कैंपेन्स होती हैं वहां पे अवेयरनेस का, एंगेजमेंट का गोल रखते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हाँ जी आपके पास ये प्रोडक्ट है, इसकी ये खसूसियात है, आपका यूनिक सेलिंग पर्पस क्या है, आप क्या ऑफर कर रहे हैं, आपकी पॉलिसीज क्या है, सब कुछ लोगों तक पहुंचे। उसके बाद इंटरेस्ट का स्टेप आता है, लोग उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। इंटरेस्ट के बाद आपके सामने डिसीजन का एक स्टेप आता है कि अब वो लोग जो इंटरेस्ट ले रहे थे वो किसी फैसले पर पहुंचेंगे कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए, और लास्ट पे एक्शन का स्टेप कि फिर वो क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ पे, बाय नाउ पे, शॉप नाउ पे या व्हाट्सएप पे कि जी वो आपसे खरीदे। बार बार आपका प्रोडक्ट जब तक किसी कस्टमर को नहीं दिखेगा वो नहीं बिकेगा, बिल्कुल नहीं बिकेगा। आप चाहते हैं कि आप एक मरतबा कस्टमर आपकी प्रोडक्ट देखे और वो खरीद ले, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत रेयर होता है। अगर आप इन सारे स्टेप्स को क्रॉस करते हैं और आप चाहते हैं सिर्फ 4th पे जाएं, हो सकता है कोई जुगाड़ लगा के आप वक्ती तौर पे तो सेल्स हासिल कर लें, लेकिन ये दीर्घा अमल नहीं है। आपका ब्रांड जो है वो नहीं चलेगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा जब तक आप इन 4 स्टेप्स को पूरा नहीं करते। इसी वजह से हम लोग 6 महीने के मार्केटिंग प्लान्स भी बनाते हैं। 6 माह हम एक बिजनेस को देते हैं प्रॉपर उसको सेटअप करने के लिए, लोगों तक उसकी अवेयरनेस देने के लिए, लोगों को का उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, लोगों की डिसीजन पावर जो है उसको स्ट्रांग करने के लिए और लास्ट पे उनके एक्शन के लिए। तो खुदारा इस बात को समझें, इन स्टेप्स को पूरा करें, इन 4 स्टेप्स को आप खुद मार्केटर से पूरा करवाएं। आप खुद मार्केटर को कहें कि ये 4 स्टेप पूरे करें, फिर मेरी आप सेल्स जनरेशन का काम करें, लीड जनरेशन का काम करें, ताकि लोग मुझ पे ट्रस्ट करें और लोग प्रॉपर बाकायदगी से हमारी प्रोडक्ट खरीदते रहे। अगर आप जल्दी मचाने की कोशिश करेंगे तो इससे सरासर नुकसान आपका ही है, क्योंकि मार्केटर को तो कोई भी दूसरा प्रोडक्ट मिल जाना है लेकिन आपका बिजनेस जो है वो वहीं पे रहना है। तो चाहे आप खुद अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी से करवा रहे हैं, इस चीज को आप जरूर मद्देनजर रखें। सेल्स फनल को क्रॉस किए बगैर आपकी प्रोडक्ट, आपका बिजनेस कामयाब नहीं है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे।